तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जो प्लांट हार्मोन से रिलेटेड है। तो पहले हम लोगों ने ऑक्सिन और जिबरेलिक एसिड को पढ़ लिया था, तो आज हम लोग इथाइलिन के बारे में मतलब जानते हैं कि क्या इथाइलिन क्या करता है, क्या रोल है उसका। ये सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत केयरफुली आपको देखना है। मैं आपको बस एक लॉजिक लिखूंगा, उस लॉजिक के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, उस लॉजिक में ही इसके मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा हार्मोन है उस हार्मोन का नाम हमारे क्या है, इथाइलिन है, ठीक है, इथाइलिन हार्मोन है हमारा, ठीक। तो अब देखते हैं कि ये इथाइलिन क्या है। तो हम एक लॉजिक लिखते हैं, जैसे कहते हैं कि MP3 रोज चलाओ, ठीक है, रोज चलाओ, ये लॉजिक है। इससे ना बहुत बहुत सारे पॉइंट इससे क्लियर होंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे। जैसे हम इस M से मानते हैं कि ये क्या है, मान लो मैंगो है, ठीक, M से हमारा क्या हुआ, मैंगो। तो इसका मतलब है इथाइलिन जो है वो मैंगो में क्या करवाता है, फ्लावरिंग करवाता है, ठीक। तो अब अगर आपसे पूछे जाए कि जो मैंगो प्लांट है उसमें फ्लावरिंग को कौन इंड्यूस करता है, तो हमारा कौन हो गया, इथाइलिन हो गया, ठीक है। इथाइलिन की बात कर रहे हैं, इथाइलिन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस हार्मोन बोलते हैं, गैसियस हार्मोन बोलते हैं। और क्या, इसका इसका जो कॉमर्शियल नाम है या जो कंपाउंड है जिससे इथाइलिन बनता है उसको क्या बोलते हैं, इथेफोन बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला हार्मोन है। आप ये भी क्वेश्चन बन सकता है नीट में कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा कौन होता है। तो जो पहला हमारा था वो था एम, तो एम से हमने इसको लिखा मैंगो, तो मैंगो में जो फ्लावरिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन हो गया, हमारा इथाइलिन हो गया। इस थ्री का मतलब है कि 3 P हमें बनाने हैं, 3 P। तो मैंने यहां लिख दिया पीनट, ठीक है, पीनट, फिर मैंने लिख दिया पोटैटो, फिर हमने लिख दिया पाइन एप्पल, ठीक है। आपको एक वैसे भी लॉजिक बताता हूं कि जो सबसे ज्यादा एग्जांपल लिए गए हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बात करेंगे और नहीं बात करेंगे, कि एनसीईआरटी में जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल किसी प्लांट में है, किसी हार्मोन में जो दिए गए हैं वो इथाइलिन वाला है। तो ये पीनट है, तो पीनट में किसमें हेल्प करेगा, जर्मिनेशन में, जर्मिनेशन ऑफ सीड जिसको बोलते हैं, पीनट सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, ये बात हो गया। पोटैटो ट्यूबर की क्या करेगा, ट्यूबर में ये क्या कोच करेगा, स्प्राउटिंग करेगा, स्प्राउटिंग, ठीक है। इसका मतलब ये पोटैटो ट्यूबर की डोरमेंसी को क्या कर देगा, डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा, एक काम इसका ये हो गया, ठीक है, पोटैटो ट्यूबर की डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा, एक हो गया। तो ये हो गया पीनट में जर्मिनेशन करवाएगा, पोटैटो में ये क्या करवाएगा, पोटैटो ट्यूबर की डोरमेंसी को ब्रेक करेगा और स्प्राउटिंग का करेगा। पाइन एप्पल में, जो पाइन एप्पल है, पाइन एप्पल में ये फ्लावरिंग फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को क्या करेगा, फ्रूटिंग को ये क्या करेगा बच्चों, सिंक्रोनाइज करेगा, याद रखना। और ये भी आप बहुत अच्छे समझ लो, जो पाइन एप्पल में फ्लावरिंग ऑक्सिन भी इंड्यूस करता है, लेकिन इथाइलिन क्या करेगा कि फ्लावरिंग हुई है तो फ्रूट भी बनना चाहिए, तो उस चीज को सिंक्रोनाइज कौन करेगा, इथाइलिन करेगा। फ्लावरिंग कॉज्ड बाय ऑक्सिन बट उसको सिंथेसाइज कौन करेगा, मतलब सिंक्रोनाइज कौन करेगा कि फ्लावरिंग के बाद फ्रूट सेटिंग होना चाहिए, फ्रूट बनने चाहिए, दैट इज कॉल्ड पाइन ऑक्सिन इथाइलिन इन पाइन एप्पल, ऑक्सिन कॉज फ्लावरिंग इन अ पाइन एप्पल। ओके, इस रोज का मतलब है आप जानते हैं राइस, राइस, ठीक है। और एक हमारा क्या होगा, राइपनिंग होगा, राइपनिंग होगा, ठीक है। एक हमारा राइस में आप जानते हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राइस के जो पार्ट ऑफ राइस बिलो बिलो या डीप इन वाटर इथाइलिन कॉज ग्रोथ, ग्रोथ कॉज कर देता है, कौन सा, इंटरनोडल इलोंगेशन करेगा, इंटरनोडल इलोंगेशन एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट हेयर फॉर्मेशन, ठीक है, ये करता है। ये क्वेश्चन अभी 2022 में या 23 में पूछा गया था, अभी 2-3 साल के अंदर पूछा गया था कि राइस के अंदर, राइस प्लांट के जो पानी में डीप होता है तो उसकी ग्रोथ को कौन बढ़ा देता है, वो इथाइलिन बढ़ा देता है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि वो क्यों करता है। एक्चुअली में क्या है, अगर पानी में लीफ डीप हो जाएंगी तो दिक्कत क्या आएगी कि फिर क्या होगा कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और डाई हो जाएगी। तो इथाइलिन क्या करता है राइस प्लांट में,
जो नीचे होता है पोर्सन, जो पानी में डीप होता है, उसकी ग्रोथ करवा देता है। जब उसकी ग्रोथ करवा देगा और उसको एंकर करने के लिए रूट हेयर बना देगा, तो क्या होगा कि वो प्लांट जो होता है उसकी ग्रोथ पानी में जो डीप है वो ज्यादा हो जाएगी, तो जो लीफ वगैरह होती है वो पानी के सर्फेस से क्या हो जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी, इजिली फोटोसिंथेसिस करेंगी और प्लांट अच्छे से क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। ये इथाइलिन का काम है। तो अगर आपको पूछा जाए, देखो ये होता भी क्या है कि ये गैसियस हार्मोन है, तो ये पानी में रेडियली एब्जॉर्ब हो जाएगा और प्लांट को धीरे धीरे ये अवेलेबल होता रहेगा, तो प्लांट धीरे धीरे इसको लेता रहेगा। गैस है तो पानी में ये डिजोल्व हो सकता है, ठीक है, बाकी किसी का तो नहीं होगा। और रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या हो जाएगी, राइपनिंग होगी, राइपनिंग। तो अब याद रखिएगा कि जिसमें भी राइपनिंग होती रहती है, जिन फ्रूट्स में, उनका रिस्पायरेशन रेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये सेनेसेंस भी कोच करता है, जानते हो थाइलिन क्या कोच करता है, सेनेसेंस। ये भी सेनेस ग्रोथ इनहिबिटर है, लार्जली ग्रोथ इनहिबिटर इनको बोलते हैं, लेकिन मैं अभी लॉजिक के थ्रू जो इसमें एग्जांपल है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइपनिंग, तो जब ये कोई भी चीज पकने लगता है तो ये रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा देता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, रिस्पायरेशन क्लाइमेटिक बोलते हैं। ये सब काम ये करेगा, ठीक है। अब ये हो गया, तो हमारा क्या हुआ, एन से मैंगो हुआ, फ्लावरिंग हो गई, पीनट हो गया, जर्मिनेशन हो गया, पोटैटो ट्यूबर की डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा, पाइन एप्पल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को सिग्नलाइज कर देगा ये इथाइलिन, ठीक है। राइस प्लांट में क्या करेगा, राइस का जो पार्ट पानी के अंदर होगा उसकी ग्रोथ ज्यादा करवा देगा, रूट हेयर फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। राइपनिंग, तो ये क्या करता है, फ्रूट की राइपनिंग, राइपनिंग हार्मोन इसको बोलते हैं, तो राइपनिंग करवाएगा तो उसका रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा, तो इसको रिस्पायरेशन क्लाइमेटिक भी बोलते हैं। और क्या होगा कि ये सेनेसेंस भी कोच करता है। लास्ट वन जो हमारा बचा है वो कौन सा बचा है, ये हो जाएगा कुकुम्बर। कुकुम्बर, कुकुम्बर जो किसमें आता है, कुकरबिट्स में आता है, आप लोग पता होगा कुकरबिट्स में होता है, कुकरबिटेसी का मेंबर है। तो ये कुकरबिट्स में क्या करेगा, फीमेल फ्लावरिंग करेगा, क्या करेगा, फीमेल फ्लावरिंग। तो फीमेल फ्लावरिंग मतलब फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा किसमें, कुकरबिटेसी में। अगर समझने की नहीं, तो इथाइलिन के अगर हम लोग हार्मोन, जिसको गैसियस हार्मोन या इथेफोन बोलते हैं, अगर इसकी एक्टिविटी के बारे में देखेंगे, तो हमारा जो लॉजिक है वो क्या है, MP3 रोज चलाओ, इस एम से क्या होगा, मैंगो होगा, मैंगो में ये फ्लावरिंग कोच करेगा, पी का एक पीनट होगा तो सीड जर्मिनेशन इसका करेगा, पोटैटो की ट्यूबर मतलब ट्यूबर जो पोटैटो ट्यूबर ही होता है उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करके स्प्राउटिंग करेगा, मतलब वो अच्छे से फैलेगा, ठीक है। पाइन एप्पल में ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को सिंक्रोनाइज करेगा। राइस में जो जो राइस प्लांट पानी का प्लांट है आपको पता है, तो जो पोर्सन इसको पानी में डीप होगा उसमें ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन कर देगा। जो ये दूसरा आर से हम कर सकते हैं राइपनिंग, तो ये फ्रूट राइपनिंग करवाएगा। दूसरी क्या करता है कि जब राइपनिंग होती है तो ये क्या करता है, रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा देता है, तो इसको बोलते हैं रिस्पायरेशन क्लाइमेटिक। अब चलाओ का मतलब होगा कुकुम्बर कुकरबिटेसी फैमिली का मेंबर है, और इसका मतलब ये उसमें क्या करवा देगा, फीमेल फ्लावरिंग इंड्यूस कर देगा, कौन कर देगा, इथाइलिन। तो ये सारा जो फंक्शन है वो किसका है, इथाइलिन से। अब इतने सारे पॉइंट्स हैं तो क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज्यादा है।